हूँ अभिलाषा दुबे, इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरायकेला खरसावा के गम्हरिया प्रखंड के लगभग 200 सहियाओं का विगत कई महीनों से सीएचसी में पदस्थापित अकाउंटेंट के द्वारा प्रताड़ित करने एवं सही समय पर मानदेय भुगतान नहीं करने सहित वेतन के बदले घूस देने की मांग के विरोध में सहियाए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कदमा स्थित आवासीय कार्यालय पहुंची, जहां सहियाओं द्वारा की गई शिकायत के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट सुनील कुमार को बर्खास्त करने का फरमान सुनाया। सहियाओं ने सुनील कुमार के खिलाफ शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनका प्रति माह वेतन मात्र 2000 रुपये के लगभग है, उसमें भी 3 से 4 महीने में कटौती कर वेतन दिया जाता है। शिकायत करने पर वे कहते हैं कि प्रति माह सभी 100 रुपये दें तो उनका वेतन सही समय पर प्रति माह भुगतान कर दिया जाएगा। इन लोगों ने यह भी शिकायत की है कि जिस कार्य के लिए उन्हें रखा गया है उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। उन्हें यह कार्यभार दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर खास ध्यान दिया जाए, लेकिन जब उन्हें केंद्र में ले जाया जाता है तो वहाँ पोषण युक्त भोजन सही मात्रा में नहीं दी जाती है। ऐसे में प्रसूति के बाद जच्चा बच्चा में कुपोषण होने का डर बना रहता है। उनकी इन सब शिकायतों को ध्यान से सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अविलंब NHRM के डायरेक्टर को सहियाओं के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं सिविल सर्जन को पूरे मामले की जांच करते हुए अकाउंटेंट सुनील कुमार को कार्य से बर्खास्त करने का फरमान सुनाया। मंत्री ने कहा कि अगर जांच में कोई भी दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री के अविलंब कार्रवाई किए जाने से सहियाओं ने उनका आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इनके कारण ही आज हम लोग इतने दूर पहुंच पाए। इनको हम अपना समस्या बताएं कि हमें CSC गम्हरिया में हमारे जो बैम है सुनील कुमार सिंह के द्वारा बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा था सभी सहियाओं को, तो उसकी मामले पे हम लोग आज स्वास्थ्य मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी के पास आए थे और अपने समस्याओं के लिए हमने इन्हें बताया। और हम बन्ना गुप्ता जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी हम लोग बहुत बहुत आभारी है कि इन्होंने तुरंत ही हमारे समस्याओं को सुनकर उन पर कार्रवाई की। इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं सभी से। मैं गम्हरिया से सहिया और सहिया साथी रितु मंडल राम सिंह। मैं गम्हरिया बलरामपुर की सहिया हूँ और स्वास्थ्य केंद्र में पेशेंट लेके अगर जाते हैं तो हर तरह का सवाल होता है सर। हम लोग दिन रात 1-2 बजे हम लोग नहीं देखते हैं, तुरंत अपना पेशेंट लेके जाते हैं, अपना काम करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग अगर कोई मतलब मानदेय तो होता नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग को जो पेमेंट मिल रहा है थोड़ा बहुत अगर सही समय पर नहीं मिलेगा तो बताइए हम लोग काम करने की क्या मतलब इच्छुक होगा, तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पेमेंट सही अच्छा से दिया जाए। उसमें भी अगर हम लोग जाते हैं बात उठाते हैं कि सर हम लोग का पैसा नहीं आया, नहीं बाबू तुम लोग का तो पैसा आया है, हाँ अभी जाएगा तभी जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। लेकिन पैसा का कोई अभी मतलब अभी तक 4-5 महीना हो गया है, 1 साल में तो हम लोग का ऑपरेशन का पैसा 2 बच्चे वाला अभी तक नहीं मिला है। बताइए सर तो हम लोग क्या काम करने का इच्छा करेगा, आप ही बताइए। और लाभार्थी लेके जाते हैं डिलीवरी पेशेंट ये करने के लिए, तो लाभार्थी को तो खैर नहीं मिलता है, क्या मिलता है वो तो हम नहीं जानते, जानना भी जरूरी है। किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, अभी तक 5 साल का बच्चा हुआ है अभी तक उसका JSY का पेमेंट नहीं मिला है लाभार्थी को। और वहाँ लेके भी जाते हैं तो खान पान में भी उसका बदलाव हो गया, पहले खाना ठीक मिलता था, अभी खाना में क्या है थोड़ा सा चावल दाल और भात थोड़ा सा मिल गया बस। उसमें क्या सर जो पेशेंट है खाने वाला गर्भवती है अभी डिलीवरी हो चुका है उसको तो सर भूख लगेगा ही, उसको तो भरपूर चाहिए ना खाना। इसी चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, यही चीज अगर होगा तो फिर हम लोग का फायदा क्या हुआ काम करने का। अच्छा नाश्ता में एक गिलास जो कि दूध देने का है, एक पौवा कम से कम एक पौवा तो दीजिएगा ना दूध, वो भी आधा पौवा दूध रहता है, 4 ब्रेड रहता है, और वो भी ब्रेड में क्या नाश्ता हो पाएगा उन लोग को। अभी तो सवेरे आपको 4 ब्रेड और दूध मिलता है थोड़ा सा, और दोपहर में खाना मिलता है और रात को बस वही रोटी मिलता है। मैंने सही पोषण नहीं मिल रहा है, पोषण के बारे में ही यही समय हम लोग काम कर रहे हैं पोषाहार में, ठीक है। इसी चीज में अगर कटौती होगा तो बताइए वो पेशेंट मैंने सही होकर के जाएगा कि मतलब गलत पोषण होके जाएगा। और क्या बोलते हैं पैसा वो सब मांगते हैं। पैसा के बारे में सर हम लोग 2-3 सैया मैंने गए ऑफिस में तो बोल रहे हैं कि कुछ तुम लोग मतलब खर्चा उर्चा करेगी तब ना तुम लोग को दे। तो एक सैया नहीं है ना सर कि हम आपको दे देंगे,
हम लोग का बहुत सारा सहिया है, समझे हैं? तो हम लोग मैंने किस मान के चलिए, हम अगर दे देते हैं मान के चलिए बाकी सहिया, तब तो इसमें तो मतलब ये हो जाएगा ना कि हम अपना काम कर ले रहे हैं, बाकी सहिया सर हम लोग का सब एकजुट, हम लोग को एक को मिलना नहीं है, मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। जिस लोगों ने ये लोग से घूस मांगा है, हमने NHM डायरेक्टर को आदेश कर दिया है कि इमीडिएट सिविल सर्जन के माध्यम से उस मामले की जांच करवाइए, जांच रिपोर्ट जैसे ही आती है और यदि उसमें ये पाया जाता है कि इस अधिकारी ने इस तरह का जो है गलत काम किया तो तुरंत उसको जो है नौकरी से बर्खास्त करेंगे। और इन लोगों जो वेतन पैसा की जो बात है वो मैंने उसके लिए पैसा जो है 2 से 3 दिन में सारा पैसा आ जाएगा, बड़ा मामला उठा 7 करोड़ कुछ रुपया है आ जाएगा विधानसभा में जो। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।